हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, अपने कमेंट्री टैब पे पोस्ट भी किया था कि आज आपको मैं टैली प्राइम के जितने आपने सवाल पूछे हैं रिलेटेड टू जीएसटी एंड रिलेटेड टू वैट, तो ये दोनों ही बताऊंगा। क्योंकि वैट अपने यहाँ लगता नहीं है, अपने यहाँ तो जीएसटी ही लगता है। हम लोग इंडिया के रहने वाले और इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। तो कुछ अदर कंट्रीज के भी लोग हैं जो ये वीडियोज देखते हैं, लाइक यूएई है, तो यूएई में कुछ लोग जो रहते हैं वो लोग भी वीडियोस देखते हैं और उन लोग की डिमांड ये रहती है कि आप मुझे वैट के भी बारे में बताइए, क्योंकि इंडिया में तो जीएसटी लगता है लेकिन हमारे यहाँ वैट लगता है, तो वैट के भी बारे में बताते रहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर ये हमने एकदम से नई कंपनी बना रखी है, ठीक है। अब एक एक लाइन में एंट्री करना सिखाता हूँ आपको, एक एक लाइन हम लोग एंट्री पास करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी कंपनी है इसको अल्टर करके दिखाता हूँ किस तरह से ये मैंने बनाई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कंपनी जो है, अब ये रोहित किराना स्टोर है, इसको मैं अल्टर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोहित किराना स्टोर, और ये यहाँ पे इस तरीके से, और ये स्टेट डालना कंपलसरी होता है, तो इस तरह से बनाया हमने। 1 अप्रैल 2020 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और 1 अप्रैल 2020 से ही हमारा काम भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बाहर आते हैं, यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर देख लेते हैं। तो 2020-21 है, ये आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर। ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर भी दिखाई पड़ता है। तो 1/4/2020 से 31/3/2021, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हमको पहली एंट्री पास करनी है। तो जब भी एंट्री पास करनी होती है तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है कि आप कहीं काम करने जाते हैं तो वहां पर काम पहले से हुआ रहता है। जैसे टैली पे ही काम करना है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन मान लीजिए कि आप 2 जुलाई को काम करने गए, या 1 मई को काम करने गए, या 1 अगस्त को काम करने गए, 1 सितंबर को काम करने गए, तो ऐसे कंडीशन में कैश वहां डालना नहीं होता है, ठीक है। जैसे एकदम से ब्रांड न्यू कंपनी शुरू होती है तो वहां कैश आपको डालना पड़ता है, सारी चीजें करनी होती है, लेकिन जब पुराना काम हुआ रहता है तो वहां पर कैश आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो चीज हम लोग बाद में देखते हैं। जैसे काम पहले से हुआ रहता है, उसमें कंपनी में कैश पहले से रहता है, तो आप कुछ परचेस करते हैं तो उसी के अगेंस्ट में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, और जीएसटी की बात भी हम करेंगे और वैट की चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले तो कंपनी हमने बना ली है, कुछ पैसे हम रिसीव करा लेते हैं। जैसे जैसे कि हमने बात किया था कि ब्रांड न्यू कंपनी बनाई हमने, तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि सबसे पहले कैश कंपनी में रिसीव करा देना है। भाई कैश होगा नहीं तो आप कहां से सामान खरीदेंगे? कोई भी धंधा, छोटा सा धंधा ही स्टार्ट करना है आपको, तो आप सामान परचेस कहां से करेंगे? सपोज कीजिए एक ग्रोसरी शॉप खोलनी है आपको, तो ग्रोसरी शॉप खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा चाहिए ना, तभी तो हम खोलेंगे। कहां से खोलेंगे शॉप? खोलने के लिए शॉप एक चाहिए हमें, तो शॉप लेंगे। अगर मान लीजिए आपके घर में ही शॉप खोलनी है, तो सपोज कीजिए कि घर में तो पैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन शॉप खोलेंगे, शॉप में सामान लाएंगे, शॉप में शटर लगेगा, कंप्यूटर एक रखेंगे हिसाब किताब करने के लिए, तो वो सारे खर्चे होंगे आपके, ठीक है। तो इसके लिए हमें कैश की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैश आपके कंपनी में होना चाहिए, तभी आप एंट्री पास कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कैश रिसीव करा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद हमें पहली एंट्री जो पास करनी है वो पास करनी है रिसिप्ट वाउचर। देखिए अभी हम पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए F6 बटन प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से F6 बटन प्रेस कर दीजिए, यानी फंक्शन बटन F6 प्रेस करना है आपको। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सप्लायर इनवॉइस / रेफरेंस नंबर, तो ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर है। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर यानी जो माल आपको सप्लाई करेगा, जो गुड्स आपको सप्लाई करेगा, ठीक है, उसे कहते हैं सप्लायर। आप क्या होंगे? आप खरीदने वाले आदमी हैं, आप जाके वहां से खरीदेंगे सामान, सप्लायर वो होगा और कस्टमर आप होंगे, ठीक है। तो देखिए दो दो पार्टीज होती है, एक तो होती है होलसेलर पार्टी और एक होती है लोकल पार्टी। तो अब अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करा रहे हैं, कैश को रिसीव करा रहे हैं। तो अभी हम कैश को रिसीव कराते हैं 1 अप्रैल के ही डेट में। और ये देखिए, ये हम सिंगल एंट्री मोड में है। अगर आपको डबल एंट्री मोड में जाना है तो क्या करना होगा? डबल एंट्री मोड में जाने के लिए यहाँ चेंज मोड दिया हुआ है, ठीक है। आपको कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है, जैसे कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे तो यहाँ डबल एंट्री मोड में आ जाएंगे। ये देखिए, ये डबल एंट्री मोड है, नीचे नीचे देखिए ना, क्रेडिट डेबिट आने लगा है। तो अब हम डबल एंट्री मोड में आ चुके हैं, इसे डबल एंट्री मोड कहते हैं। तो दोनों तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, रिसिप्ट वाउचर में जो कैश रिसीविंग की जो बात है वो दोनों तरीके से हो सकती है, सिंगल एंट्री मोड में भी और डबल एंट्री मोड में भी। तो सिंगल एंट्री मोड की क्या खासियत है और डबल एंट्री मोड की क्या खासियत है भाई? तो सिंगल एंट्री मोड में जो है डेबिट क्रेडिट नहीं आता, और डबल एंट्री मोड में डेबिट क्रेडिट आता है। तो अभी हम डबल एंट्री मोड में एंट्री पास करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पे यही डेट रहेगी, और यहाँ पर अब हमें सबसे पहला काम करना है, लेजर क्रिएट कराना है। लेजर किस चीज का क्रिएट होगा? शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही बात, एक ही चीज बताता आया हूं कि जो भी
कंपनी में पैसा आता है उसे हम रुपया पैसा, ठीक है, डॉलर नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है, कहीं भी आप रहिएगा तो उसे हम कैपिटल ही कहेंगे। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट का लेजर लगा लीजिए, क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं कैपिटल अकाउंट के, लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो गई है, यहां पर लिखना है कैपिटल और ए ऑब्लिक सी अकाउंट। अब देखिए ग्रुप का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है, हर बार बताता हूं। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का एक ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे ग्रुप ना मिले, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप ओपन हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपको ग्रुप नहीं मिलता है तो कैपिटल अकाउंट किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल सी से स्टार्ट होता है, यहाँ सी प्रेस कीजिए और देखिए सी से रिलेटेड सारे लेजर सारे ग्रुप आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, आप कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात फंसती है कि यहाँ पर मान लीजिए कि उस व्यक्ति का जो कि फर्म का मालिक है उसका नाम देना है, क्योंकि उसी का कैपिटल है, वही कैपिटल लगा रहा है, तो कभी कभी नाम भी देना पड़ता है हमको, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कंपनी का मालिक है उसका नाम यहाँ पे हमें दे देना है, तो यहाँ पे दे देता हूँ नाम, एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ है राम सर, तो यही मालिक है, तो इनका नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका एड्रेस आ जाएगा, तो एड्रेस डाल दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये एड्रेस डाल दिया हमने, एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस करके नीचे आइए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, पिन कोड डाल सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल भी डाल सकते हैं, अगर आप बैंक अकाउंट से पेमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल भी आप डाल सकते हैं। फिलहाल छोड़ते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर आते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो बिजनेस शुरू करने से पहले जीएसटी आई एन बनवाना पड़ता है हमें, तो जीएसटी आई एन जो बना हुआ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक जीएसटी आई एन डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये जीएसटी आई एन है, और एंटर प्रेस करके टैली इसको वेरीफाई करेगा, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी पूरी, ठीक है। अब देखिए ये कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री हो गई, अब यहाँ पर कैपिटल आपको डालना है, क्या डालना है, कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, वो चीज आप यहाँ पे डाल दीजिए, वो रुपए आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे डाल दिया हमने, एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट आ रहा है, अभी इस क्रेडिट की तो हमें कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने क्रेडिट तो पहले ही कर दिया है, अब हमें यहाँ डेबिट ना चाहिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अब वही यहाँ पे डेबिट आ ही नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप खाली डीआर प्रेस कर दीजिए, हाथ से डीआर प्रेस करके और एंटर करिए, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तभी दिमाग में बात आए कि कैश का लेजर बनाना है, तो कैश का लेजर नहीं बनता है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूं, कैश यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है ना, तो यहाँ सीधा कैश कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, यहां पे देखिए नीचे डेबिट आ रहा है, ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर भी डेबिट आ रहा है, तो ये दोनों डेबिट डेबिट है, यहां पर आके और ये जो कैश है ना यहां पर आइए, एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर सेम अमाउंट डाल दीजिए जो आपने ऊपर डाला है, ठीक है, ये हो गया, एंटर प्रेस किया तो ये नीचे वाला अपने आप हट जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि नरेशन हम देते, नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन का मतलब ये होता है कि आपने किया क्या है, इस एंट्री को पास करने के दौरान आपने किया क्या है, तो आप यहां पे डाल दीजिए कैश बीइंग कैश रिसीव्ड, इन कंपनी, तो प्रिंट होकर आ जाए, ये जो नरेशन दिया है ना ये नीचे, ये देखिए यहां पे दिया है नरेशन, तो ये भी प्रिंट होकर आ जाए, बिल पे ही प्रिंट होकर आ जाए नरेशन भी, तो ये भी प्रिंट होकर आएगा, तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते हैं, और यहां से आई बटन प्रेस करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि यहां पर ये बिल इस तरह से कुछ जनरेट हुआ है हमारे सामने, ये देख सकते हैं आप, देखिए ये नरेशन जो है, ये देखिए ये लिखा हुआ है बीइंग कैश रिसीव्ड इन कंपनी, जो हमने दिया था नरेशन वो जो है प्रिंट होकर आ रहा है। तो आपको सेटिंग कैसे करनी है, जैसे आपके में नो प्रिंट होकर आता हो तो सेटिंग कैसे करेंगे, सेटिंग करने के लिए आपको कॉन्फिगर पे जाना है, ये कॉन्फिगर, यहां से सी प्रेस कर सकते हैं आप, और देखिए यहां पर शो नरेशन दिया हुआ है, शो नरेशन, अगर ये नो होगा तो नरेशन प्रिंट होकर नहीं आएगा, अगर ये यस होगा तो नरेशन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको डबल क्लिक कर देना है, आप देखिए मैंने ऑलरेडी यस रखा है, डबल क्लिक करूंगा तो नो हो जाएगा, तो आप यस रखिए और कंट्रोल ए प्रेस करके आगे बढ़ जाइए, इस तरह से ही आप एंट्री पास कर पाएंगे। तो ये तो छोटी सी एंट्री थी, पहली एंट्री जो हमने पास कर दी। अब हमें क्या करना है, हमको यहां पर अब परचेजिंग करनी है, यहां पर हम जीएसटी की बात करेंगे और वैट की बात करेंगे। तो यहां पर आता हूं सीधा बाउचर पर और यहां से वी प्रेस कर लेता हूं और कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे क्योंकि हम परचेज करने वाले हैं। अब देखिए अलग अलग टाइप के मोड होते हैं, ठीक है, पॉइंट नोटेड है,
मोड, डिफरेंट मोड लिख लीजिए। तो ये अलग अलग टाइप के मोड होते हैं, ठीक है। अब देखिए मोड कौन कौन से होते हैं। यहां पर अगर मोड पे मैं जाता हूं तो यहां पर आपको तीन मोड देखने को मिलेंगे, एक आइटम इनवॉइस, दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस, तीसरा एज वाउचर मोड। तीनों का अलग अलग वर्क है। अभी हम आइटम इनवॉइस मोड में, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान एंट्री पास करने का टैली में साधन है ये आइटम इनवॉइस मोड, और हम इसी इनवॉइस मोड में हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आप यहां एंट्री पास करते हैं तो यहां सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालिए डायरेक्ट, और यहां पर मान लीजिए कि 2 मई में ये हो रही है परचेजिंग, तो 2 मई 2020 है तो ये कर दिया हमने, और यहां पर 2 अप्रैल ही आ रहा है तो यहां हाथ से लिख दीजिए 2/5/2020, तो यहां पर भी वो चेंज हो जाएगा। एंटर प्रेस करता हूं। अब देखिए यहां पर कह रहा है पार्टी का अकाउंट नेम, तो कभी कभी क्या होता है कि कैश में भी एंट्रीज पास हो जाती हैं, ठीक है। और अगर आप पार्टी का नेम देना चाहते हैं, देखिए पार्टी का नेम कब देते हैं, जनरली पार्टी का नेम तभी देते हैं जब उधारी में परचेजिंग हो रही हो। उधार का परचेजिंग होगा तो हम पार्टी का नाम देंगे, ठीक है, अन्यथा हम कैश में एंट्री पास कर देंगे सीधा सीधा। तो यहां पर हम अभी क्रिएट पे चलते हैं, एक पार्टी का नाम बना लेते हैं, लाइक यहां पे बना देता हूं रामू ग्रोसरी शॉप, तो भूल जाएगा हमको, तो यहां पे सी रख दिया मैंने, और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करके इसे सन्ड्री क्रेडिटर में डालिए, तो अगर आपको नहीं शो हो रहा है एस वाला तो खाली आप एस प्रेस कर दीजिए, तो यहां एस वाले सारे लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर करके। और यहां पर देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको यस रखना है। इसका एक खास कारण है कि आपका सारा हिसाब किताब मेंटेन होता रहेगा, ठीक है। तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए। यहां पर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है। अब इसका प्रयोग कब करते हैं, जब हम उधार में परचेजिंग करते हैं जो कि हो ही रहा है, तो उसमें हम क्रेडिट पीरियड देते हैं कि देखिए भाई 5 दिन में पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम ब्याज लगा देंगे, 2% का ब्याज लगा देंगे। तो उस कंडीशन में इसका हम प्रयोग करते हैं, और एक ऑप्शन भी चालू करना पड़ता है हमें, F11 की प्रेस करके वो ऑप्शन हमें चालू करना होता है ताकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। भाई 5 दिन में पैसा नहीं दोगे तो 2%, 10 दिन में नहीं दिया तो 5%, 15 दिन में नहीं दिया तो ऐसे करके एक बात कह रहा हूं। तो इस तरह से ये चलता है। अब एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर एड्रेस डाल सकते हैं, छोड़िए, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। GSTIN अगर है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। GSTIN अगर आप नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटर प्रेस करके और इसको आप एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब यहां पर यह है कि किस चीज के थ्रू, अब मान लीजिए टाली में भर के माल जाएगा, सब सामान टाली में या ट्रक में, तो वहां पे सारा डिटेल देना पड़ेगा किस चीज के थ्रू जा रहा है। तो ये लिखा हुआ है डिस्पैच थ्रू, डिस्पैच माने होता है जाना, भेजना, किस चीज के थ्रू जा रहा है, और डेस्टिनेशन माने गंतव्य, कहां जा रहा है, ठीक है। कैरियर एजेंट नेम, कौन लेके जा रहा है, ढो के माल कौन ले जा रहा है, ठीक है। बिल ऑफ लैंडिंग और मोटर व्हीकल नंबर, और फिर लोकल एरिया में जब जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ट्रक है तो बहुत सारा माल लेके जाता है, और उसमें आप जो लोकल एरिया में लेके जाता है तो बाइक से लेके जाता है, पोस्टमैन वगैरह होते हैं तो साइकिल या बाइक से लेके जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर मोटर व्हीकल का नंबर वगैरह देना होता है। तो ये सब छोड़ देते हैं, एंटरप्रेस करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो भर और लीजिएगा। एंटरप्रेस करके एक्सेप्ट कराते हैं इसको। यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा तो डाल दीजिए परचेज अकाउंट, क्योंकि हम परचेज वाउचर में एंट्री पास कर रहे हैं, तो यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर लगा देते हैं। तो परचेज अकाउंट कर दिया हमने, प्रेस कीजिए, ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में। तो यहाँ खाली आपको पी प्रेस करना है परचेज अकाउंट को हाईलाइट करने के लिए, तो पी वाले सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे, दो ही है, प्रोविजन है और परचेज अकाउंट है। तो परचेज अकाउंट करके और एंटर प्रेस करके और एंटर प्रेस करके और एंटर प्रेस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, ये हो गया। लेकिन तभी हमारे दिमाग में बात आई, ओहो जीएसटी तो चालू ही नहीं किया, जीएसटी हमने एक्टिवेट नहीं किया, तो जीएसटी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जीएसटी और वैट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब जीएसटी को चालू कर लेते हैं, तो यहां से बाहर आ जाते हैं, सारा कुछ बन चुका है हमारा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप घबराइएगा मत कि वो सारा फिल हो चुका था, तो अब वो कैसे होगा, वो बहुत आसानी से हो जाएगा, आप खाली वीडियो को फॉलो करते रहिए। तो देखिए अब यहां पर क्या करना है, जीएसटी ऑप्शन को चालू करना है, तो कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है F11 की, ठीक है। जैसे F11 की प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको ये सारे ऑप्शन नजर आएंगे, और टैक्सेशन में आएंगे तो यहां पर जीएसटी नजर आएगा, तो हमें जीएसटी चालू करना है कि वैट चालू करना है, पहले कौन सा बता दें, वैट बता दें, तो पहले वैट ही बता देते हैं। तो ये देखिए ये वैट है। अब यूएई के लोग हैं तो वो ये कहते हैं जो देखते हैं वीडियो कि सर अच्छा यूएई में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन यूएई में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है, अंतर है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या करना है,
वैल्यू एडेड टैक्स, यूएई में वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, वहां जीएसटी वीएसटी नहीं लागू है। तो यहां पर और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां अभी वैट ही लगता है। तो यहां पर वाई प्रेस कर देता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं। तो यहां पे देखिए ये आ गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, चूंकि हमने सेलेक्ट कर रखा था उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश ही आ रहा है। अगर आप अपने देश का, अपने कंट्री का नाम सेलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से आएगा। फिर एक टिन नंबर होता है, तो वो टिन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो टिन नंबर है। अब जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए एंटर प्रेस किया हमने। अब यहाँ पर देखिए इंटरस्टेट सेल्स टैक्स नंबर, सेल्स टैक्स नंबर होता है तो वो भी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो आपका सेल्स टैक्स नंबर है वो डाल दीजिए। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब हुआ था वो डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और फिर यहाँ पर सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल्स, तो जैसे आप जीएसटी में करते थे सेट जीएसटी ऑब्लिक डिटेल, तो इसी तरह से इसमें भी है। तो यहाँ वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको टैक्स का रेट सेट करना है, ठीक है। कैसे सेट करेंगे, ठीक है, सेट करने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10% का टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ बाई डिफॉल्ट 10% सेट करता हूँ। और एडिशनल कुछ लग रहा है तो 2% और लगा देते हैं एडिशनल टैक्स, तो कुल मिला के 12% टैक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है डिफाइन वैट कमोडिटी एंड टैक्स डिटेल्स एज मास्टर। अगर आप इसको देख गया है तो फिलहाल यहाँ पे इसको नो ही रखते हैं यहाँ से, और एंटरफेस करके, और एंटरफेस करके अब देखिए यहाँ एक्साइज वगैरह के बारे में आगे चल करके बताऊंगा। एक्सेप्ट करा लेते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया, कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं ऐसे। अब यहां से बाहर आ जाते हैं। अब हमको परचेज वाउचर में एंट्री पास करना है। अब परचेज वाउचर में एंट्री पास कर लीजिए आप। दो मई की ही डेट रहेगी। यहां रामू ग्रोसरी शॉप सी क्रेडिटर, यहां पर आपको डालना पड़ेगा एंडोर्समेंट डेट। तो यहां पे एंडोर्समेंट डेट डाल दीजिए, सेम डेट डाल दीजिए, ठीक है। यहां पर डिपॉट तो छोड़ दीजिए, इसको एंटर कीजिए। यहां पर आ जाते हैं परचेज अकाउंट। अब यहां पर आइटम का नेम लेना है तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके और आइटम बना लीजिए, लाइक क्रीम बना लिया आपने, ठीक है, कोई भी क्रीम होगा। एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर यूनिट बनाना पड़ेगा, आइटम कर दीजिएगा आईटीएम। एंटर प्रेस कीजिए, आईटीएम कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आइटम आईटीएम। एंटर प्रेस कीजिए, आई प्रेस कीजिए, पीस पैकेट कुछ भी कर दीजिए, यहाँ यूनिट कर देते हैं, एंटर कर दीजिए, एंटर। यहाँ पे बैचेस की डिटेल अगर चाहिए तो यस कर सकते हैं, एक्सपायरी वगैरह क्रीम की तो एक्सपायरी आती ही है, यस कर दीजिए, यस कर दीजिए। जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करिएगा क्योंकि यहाँ पे जीएसटी लागू नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पर सेट अल्टर वैट डिटेल को यस कर दीजिए। अब ये करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। अब इस पर कितना लगेगा वैट वो देना है हमको, तो यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए 10% किया था हम, तो 10 कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर एडिशनल टैक्स जैसा कि आप जानते ही हैं मैंने दिया था, तो ये दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि वैट क्या एमआरपी के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो नहीं, एमआरपी के हिसाब से वैट नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। और अगर एमआरपी की डिटेल यहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, तो ये हो गया। अब ये लिखा हुआ है अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर, ठीक है। तो अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं एमआरपी की डिटेल में तो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे खाली दाम दे दीजिए इसका, कितना रुपया लगा, 79 रुपए की एक क्रीम है, ये हमने दे दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, तो ये हो गया 79 रुपए एमआरपी है इसकी। अब यहाँ पर आपका क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, तो मान लीजिए 70 क्वांटिटी है और एक की कीमत कितनी थी, 79 रुपए। एंटर प्रेस किया, डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है, नहीं देना है, छोड़ देते हैं डिस्काउंट, एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको एक्सपायरी देना है, कर देता हूँ 31/3/2022, ये 2022 में एक्सपायर होगा, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंड ऑफ लिस्ट करके एंटर प्रेस करके, अब देखिए ये क्रीम हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको वैट लागू करना, वैट लगाना है, तो वैट लगेगा कैसे, तो वैट का एक लेजर बनाना पड़ेगा। अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहाँ वैट का लेजर बनाइए, वैट, ठीक है, ये वैट बना दिया हमने। और यहाँ पर जितना भी परसेंट वैट लगता हो, अब ये वैट जाएगा किसमें, ये वैट जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये जितना टैक्स वाला होता है सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है। अब देखिए यहाँ सब खुल के आ गया, सीएसटी जीएसटी वैट अदर, तो यहाँ पे वैट कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए नॉर्मल राउंडिंग 3 कर दीजिए यहाँ पर, और एंटर प्रेस करके
और यहाँ पे एक्सेप्ट करा लीजिए इसको। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कि वैट यहाँ पे लग के आ चुका है, देख रहे हैं वैट अपने आप कैलकुलेट होकर आ रहा है। और यहाँ पर अगर कुछ एडिशनल भी टैक्स अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, फिलहाल ये वैट कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, तो 552 रुपया जो दिख रहा है ये 10% है, 10% पे 553 होगा, लेकिन ये चूंकि राउंडिंग लगाया था तो राउंडिंग की वजह से 1 रुपए का अंतर आ रहा है, तो उससे मत परेशान होइए। अब एंटर करके नीचे आइए, यहाँ पर एडिशनल टैक्स तो जुड़ा नहीं किया है, एडिशनल टैक्स वो कैसे जुड़ेगा, तो यहाँ पे एडिशनल टैक्स के लिए अलग से एक लेजर बना दीजिए, बनाइए, यहाँ पे लिखिए एडिशनल टैक्स, AADDITIONAL, एडिशनल टैक्स, एंटरप्रेस कीजिए, ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, एंटरप्रेस कीजिए और इसे करिएगा एडिशनल टैक्स, ऊपर दिया हुआ एडिशनल टैक्स, ठीक है, एंटरप्रेस कीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए नॉर्मल राउंडिंग करके, 3 कर दीजिए, हाँ एंटरप्रेस कीजिए और एक्सेप्ट करा लीजिए इसको। ठीक है, तो ये देखिए एडिशनल टैक्स जुड़ गया। अब 552 में 111 जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 663 रुपए। ठीक है, आ गया ना, क्लियर हो गया ना, तो इस तरीके से आप वैट लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें एडिशनल टैक्स भी जोड़ सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है प्रोवाइड वैट डिटेल्स, अगर आप वैट की डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ यस कर दीजिए, तो ये वैट की डिटेल पूरा आप आ जाएगा यहाँ पे, और एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, इसमें मैंने नरेशन नहीं डाला है। अब जब प्रिंट इसका निकालते हैं तो देखते हैं कैसा प्रिंट आता है, तो ये 2 बार डीप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, तो ये है हमारा वैट वाला, और एंटरप्रेस करके इस तरीके से हम जाएंगे और यहाँ पर इसका प्रीव्यू करते हैं, आई प्रेस करके प्रीव्यू कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स की डिटेल शो होनी चाहिए, तो ये देखिए टैक्स की डिटेल शो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर भी शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं साथ साथ कि यहाँ पर परसेंट में शो हो, टैक्स कितना लगा है वो परसेंट भी शो हो, तो वो कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ कॉन्फिगर में, तो सी प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, ये हो गया सी। अब देखिए यहाँ पर आना है हमको, ये देखिए लिखा हुआ है शो वैट रेट इन परसेंट, तो इसको आपको कर देना है यस, कर दिया। अगर आप एनालिसिस भी दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको भी यस कर सकते हैं, यस कर दिया। अब यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं और फिर आई बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंट में कितना टैक्स लगा है वो भी आपको शो करेगा, देख सकते हैं वैट का परसेंटेज शो कर रहा है यहाँ पे, आप देख लीजिए ये 10% है, तो वैट 10% लगाया था, 2% एडिशनल हुआ था, तो एडिशनल कैसे आएगा। यहाँ पर देखिए बड़ा छोटा छोटा दिख रहा है और इसको बड़ा करने में टाइम लगेगा, तो ये देखिए यहाँ पे एडिशनल टैक्स 2 लिखा हुआ है 2%, तो यहाँ पर एडिशनल टैक्स भी छपा हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अब देखिए जीएसटी कैसे एक्टिवेट होगा। अब मान लीजिए ये तो रहा, ये तो एंट्री हमने बना दी, और ये एंट्री किसकी रही, वैट की रही, और जीएसटी में क्या डिफरेंस है, तो अब हम वैट हटा देते हैं, तो ये देखिए ये जो दिख रहा है ना वैल्यू एडेड टैक्स, इसको नो कर देते हैं, हो गया काम। और नो करने के बाद लीजिएगा, और यहाँ पर वैट जो है इसको डीएक्टिवेट इस तरह से कर लीजिएगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये नो हो जाएगा और ये जीएसटी यस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जीएसटी यस हो गया है इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये यस होगा, डबल क्लिक करेंगे यस होगा, तो ये इस तरीके से खुल जाएगा, ये विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पे आपको रेगुलर रखना है। अब देखिए कंपोजिशन और रेगुलर में डिफरेंस क्या होता है, 3 महीने पर जीएसटी फाइल करते हैं अगर आप, तो आपको कंपोजिशन रखना है, 3 महीने या 6 महीने पर जीएसटी फाइल करते हैं तो आपको कंपोजिशन रखना है, अदरवाइज हर महीने जीएसटी फाइल करते हैं तो रेगुलर रखिए। ठीक है, एंटरप्रेस कर दीजिए, यहाँ पर अब आने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म, तो 1 अप्रैल से जीएसटी एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल है वो देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होती है, यहाँ पर आपका GSTIN नंबर आ जाएगा, तो जो आपका GSTIN नंबर है ना वही यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे डाल दीजिए और एंटरप्रेस कर दीजिए, टैली इसको वेरीफाई करता है, फिर मंथली जीएसटी फाइल कर रहे हैं हम, ई वे बिल, इस पर एक डिटेल में अदर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर आकर के और यहाँ पर वाई प्रेस कर देना है, अल्टर कर रहा हूँ जीएसटी की डिटेल को। यहाँ पर गलती करते हैं लड़के कि अननोन एग्जेम्प्टेड नील रेटेड टैक्सेबल, कोनो चूज कर लेंगे तो नहीं होगा, एक चूज करना है, और एक कौन सा चूज करना है, टैक्सेबल चूज करना है, क्योंकि एग्जेम्प्टेड वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीएसटी लॉ के बाहर रखा गया, और नील रेटेड जिन पर टैक्स तो लगता है, जीएसटी तो लगता है लेकिन 0%। ठीक है, तो अब यहां से आके टैक्सेबल कर दीजिए इसको, टैक्सेबल जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट 18% का जीएसटी लगा देता हूँ, एंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा देता हूँ। ठीक है, परचेस वाउचर में है हम, और यहाँ 2 मई के ही डेट में एंट्री पास करनी है, और ये हमारी क्रेडिटर पार्टी एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। आ जाइए नीचे, यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा, ये सब तो ओके है। अब यहाँ पर एक आइटम बना रखा है मैंने, कीबोर्ड, कीबोर्ड को लेने के बाद यहाँ पर हमको देना है नंबर, ये एक नंबर दे दिया हमने जो कि बैच नंबर है, और नीचे जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट आ चुकी है। अब यहाँ पर 89 क्वांटिटीज इसकी हैं,
एक की रेट क्या पड़ रही है, एक की रेट पड़ रही है 299 रुपए। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, इसमें कोई एक्सपायरी होता नहीं है कीबोर्ड में, लेकिन अब हमको डालना ही पड़ेगा, मजबूरी है तो डाल ही देते हैं। एक्सपायरी एक्टिवेट कर रखा है तो यहाँ कर देता हूँ 2/4/2022। एंटर प्रेस किया और यहाँ पर आकर के अब सीजीएसटी का लेजर, तो देखिए सीजीएसटी का लेजर पहले से बना रखा है तो यहाँ पर सीजीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया। अब एसजीएसटी का बनाना है तो यहाँ पर लिखता हूँ एसजीएसटी। ठीक है, एंटर प्रेस किया यहाँ पे, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर करेंगे स्टेट टैक्स, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर करेंगे नॉर्मल राउंडिंग, ये हो गया नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे 3 करके एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अब ये एंट्री हो गई पास। तो जीएसटी और ये दोनों एक साथ मैंने बता दिया है, अगर कोई कंफ्यूजन होता हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में।